पाटीदार अनामत आंदोलन समिति यानी PAAS के संयोजक हार्दिक पटेल ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बैठक के बाद हार्दिक ने ममता को लेडी गांधी तक कह दिया। कोलकाता में दोनों के बीच सियासत के नए समीकरणों को लेकर मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक नए तरह का गठबंधन तैयार करने की रणनीति पर दोनों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान हार्दिक ने कहा कि आने वाले चुनावों में वो ममता बनर्जी के लिए वोट मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को गुजरात आने का भी न्योता दे दिया। मुलाकात के बाद पाटीदार नेता ने ट्वीट कर कहा, क्या बात है, सादगी का मतलब ममता दीदी। आज मैं लेडी गांधी और वेस्ट बंगाल के मुख्य प्रधान @ममता ऑफिशियल को मिला। दीदी ने मुझे कहा कि प्रामाणिकता, होशियारी, पारदर्शिता और अपने विचारों से आगे बढ़ो, भगवान आपको सफलता देगा। दीदी ने अपने ऑफिस से मुझे कलकत्ता का नजारा दिखाया। हार्दिक पटेल से मुलाकात के पीछे TMC की बेचैनी की वजह सिर्फ BJP है। पश्चिम बंगाल में TMC की जमीन पर धीरे धीरे कमल खिलना शुरू हो गया है। ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि गुजरात के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से हाथ मिलाकर वो राज्य में BJP के खिलाफ प्रचार का नया युद्ध छेड़ सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी और उनके काम को शानदार बताया था। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।